डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर होगा 11। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 11। कहता है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। क्या है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से, मतलब हर एक घंटे के बाद 5 डिग्री कम कर देने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? ठीक है, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो आइए हम लोग कॉपी पे हल करके देखते हैं। तो देखते हैं, हल करके कहता है कि कमरे का तापमान अभी कितना है? अभी 40 डिग्री इसमें बता रहा है। तो लिख देंगे हम कमरे का तापमान बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे, मतलब हर एक घंटे एक डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। मतलब एक घंटे में, कहता है प्रश्न से एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है। तो मतलब 1 × 5 कर देंगे, अगर हम मतलब एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो कितना कम हो जा रहा है? एक घंटे में पूरा 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जा रहा है। उसी तरह कह रहा है कि 10 घंटे बाद, फिर कह रहा है प्रश्न से 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा? तो मान ली एक घंटे में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक घंटे में कितना कम हो रहा था? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह 10 घंटे में अगर हम 5 से गुना करते, एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 घंटे में हमारा 5 से गुना कर देंगे हम, तो पूरा कुल हमारा डिग्री उतना घट जाएगा। तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा हमारा, इतने सेंटीग्रेड 10 घंटे में घट जाएगा। मतलब एक घंटे में 5, तो 2 × 10, 3 × 15, इसी तरह करके सीधा डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये हमारा 10 घंटे बाद का टेम्परेचर आ गया। क्या आ गया? 10 घंटे बाद का टेम्परेचर आ गया। और प्रेजेंट में कितना था? पहले 40 डिग्री कमरे का तापमान था। अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड में से पहले के तापमान में से आखिरी तापमान को घटा देंगे, हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा अभी प्रेजेंट में जो कमरे का तापमान होगा वो मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो 40 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड घटाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। क्या? प्रत्येक सही उत्तर के लिए, मतलब एक वो सही उत्तर दीजिएगा तो 5 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए गए, मतलब आप जिसको नहीं छू रहे हैं, प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए, मतलब जो नहीं छुए उसके लिए 0 अंक दिए जाते हैं। तो आइए, इसमें 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग टच करके देखते हैं। 12 का 1 में है, कह रहा है मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। मोहन 4 प्रश्नों का सही, तो मोहन द्वारा दिया गया सही उत्तर कितना है? कितना दे रहा है मोहन? 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे रहा है, 4 प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है। तो कह रहा है एक प्रश्न के सही उत्तर देने पर कितना अंक मिल रहे हैं? एक प्रश्न के सही उत्तर देने पर कितना अंक मिल रहे हैं? कह रहा है कि 10 प्रश्न वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक, ये वो सही पे कितना अंक मिल रहा है? 5 अंक मिल जा रहा है। कितना अंक मिल जा रहा है? 5 अंक मिल जा रहा है। तो मोहन द्वारा कितने सही उत्तर दिए गए? तो 4 को सही उत्तर दिया गया, तो 4 × 5 कर देंगे, इसके द्वारा कितना अंक प्राप्त कर लिए? 20 अंक प्राप्त कर लिया। फिर कह रहा है इसी में 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। कितने प्रश्नों का? तो 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो कहता है प्रश्न में एक प्रश्न के गलत उत्तर देने पर -2 अंक मिलते हैं। कितने अंक? एक
एक प्रश्न के गलत उत्तर देने पर -2 अंक क्या होते हैं मिलते हैं। तो मोहन द्वारा यहाँ पे देखिए, मोहन द्वारा 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया जा रहा है। क्या आपको प्रश्न का 6 प्रश्न का गलत उत्तर दिया रहा है, तो एक प्रश्न में एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर कितने अंक मिल रहे हैं, तो -2 अंक मिल रहे हैं। उसी तरह 6 अंक का अगर दिया जाए तो 6 में -2 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, -12 अंक मिल जाएगा इसको। कितना अंक दिया जाए, -12 अंक। अब कह रहा है कि मोहन द्वारा कुल अंक कितने प्राप्त किए, तो मोहन कुल अंक बराबर हो जाएगा, ये 20 प्लस में है और ये 12 माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह जोड़ेंगे तो 20 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने आंसर आया, तो 8 आया, ठीक है। इसी तरह दूसरा है, कहता है रेशमा के 5 उत्तर सही है। क्या है, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो आइए देखते हैं, रेशमा के द्वारा 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर क्या है, तो गलत है। तो लिखेंगे हम लोग रेशमा द्वारा 5 उत्तर सही, 5 उत्तर सही है, इसका मतलब 5 को उत्तर सही, मतलब एक उत्तर सही होने पे कितने अंक मिल रहे हैं, एक उत्तर सही होने पे 5 अंक मिल रहा है। कितना अंक मिल रहा है, 5 अंक मिल रहा है। तो रेशमा का क्या उत्तर सही है, 5 उत्तर सही है, तो हम 5 × 5 कर देंगे, तो रेशमा द्वारा कितने अंक सही हो गए, इसके पूरा 25 अंक मिल गए। और रेशमा द्वारा 5 उत्तर गलत है, रेशमा द्वारा 5 उत्तर गलत है। कितने उत्तर गलत है, 5 को उत्तर गलत है। तो कहता है एक उत्तर गलत देने पर -2 अंक मिलते हैं, कितने अंक मिलते हैं, एक उत्तर गलत देने पर -2 अंक मिलते हैं, एक उत्तर गलत देने पर -2 अंक मिलते हैं। तो इसी तरह अगर ये 5 उत्तर गलत दिया जा रहा है, तो 5 × -2 कितना हो जाएगा, 5 × -2 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। तो कुल बराबर कितना हो जाएगा, कुल अंक बराबर हो जाएगा ये पहले कितना इसको प्राप्त हुआ, 25, और ये इसको जोड़ देंगे, मतलब 25 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 अंक उसको मिल जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह कहता है हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, कितने 7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 उत्तर सही है, कितने हल किया, 7 को प्रश्न हल कर दिया। तो कहता है उनमें से 2 उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि हीना द्वारा सही उत्तर की संख्या बराबर कितना है, हीना कितने सही उत्तर दे रही है, तो हीना 2 अंक 2 को सही दे रही है, ठीक है। तो कहता है एक सही देने पे कितने अंक मिलते हैं, तो 5 अंक मिलते हैं। तो हीना द्वारा कितने सही दे रही है क्वेश्चन के, तो 2 को सही क्वेश्चन दे रही है, उसका आंसर सही दे रही है। तो 2 × 5 कर देंगे, मतलब एक क्वेश्चन पे 5 अंक मिलता है सही करने पे, तो 2 क्वेश्चन पे हम 5 से गुना कर देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, ठीक है। फिर कहता है कि 2 को उत्तर सही देते हैं और 5 के उत्तर गलत देते हैं, 5 के उत्तर गलत देते हैं, मतलब हीना द्वारा 5 के उत्तर गलत है, क्या है, गलत है, 5 के उत्तर गलत है। तो प्रश्न कहता है एक उत्तर गलत देने पर कितना अंक मिलते हैं, -2 अंक मिलते हैं, क्या इतने अंक मिलते हैं, -2 अंक मिलते हैं। तो उसी तरह अगर ये पांच अगर क्वेश्चन के गलत आंसर दे रही है, तो 5 × -2 कर देंगे हम, 5 × -2 तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो हीना द्वारा कुल अंक कितना हो जाएगा, हीना द्वारा कुल अंक कितना हो जाएगा, पहले कितना मिला इसको सही होने पे 10, आप प्लस
10 बराबर कितने घट के हो जाएगा, 10 में से 10 घटेगा 0। कुल का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, ये 0 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे मिलिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।